राजधानी रायपुर में 19 से 21 अप्रैल तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के संबंध में मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने जानकारी दी। इस महोत्सव में राज्य स्तरीय कला चित्रकला प्रतियोगिता और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके के हाथों समापन होगा। आदिम जाति अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान ये आयोजन करवा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस आयोजन को किया जाएगा। इस सम्मेलन में झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक के साहित्यकार शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 19 अप्रैल से ये महोत्सव जिसकी शुरुआत होनी है और इसके संबंध में आज मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जो कि विभागीय मंत्री भी हैं वो जानकारी भी दे रहे हैं। हम भी जानकारी लेंगे किस प्रकार से ये आयोजन होगा और कब से इसकी शुरुआत होगी। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य कला प्रदर्शनी और महोत्सव, नृत्य महोत्सव, इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये 3 दिन तक चलेगा, 19, 20 और 21 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और सभी जनजाति मंत्री इसमें रहेंगे और 21 को इनका समापन माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इनका होगा। एक अच्छा और उसमें राज्य विभिन्न राज्यों के लोग भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के लोग भी आ रहे हैं, झारखंड के भी लोग आ रहे हैं, मेघालय के लोग भी आ रहे हैं। तो वहाँ की आदिवासियों की संस्कृति में कोई साहित्य उतना प्रकाशन नहीं हो पाया है, तो बाकी राज्यों में किस प्रकार से हो रहा है, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम होगा तो कई राज्यों के लोग भी आएंगे, पद्मश्री के जो लोग इसमें पाए हैं वो लोग भी आएंगे और स्थानीय स्तर पर भी जो आदिवासियों के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, कथा जो बताते हैं, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि उनकी लोक भाषा में किस प्रकार की उनकी गाथा है वो लोग भी एक वाचन के रूप में वो लोग करेंगे। मंत्री जी, देखा जाए किस प्रकार का उद्देश्य माना जाए क्योंकि एक बृहद पैमाने पर यह आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है मूल इसका? नहीं, इसका उद्देश्य तो साफ है कि उनके साहित्य के बारे में जानकारी हो, उनके कला के बारे में जानकारी हो, उनके चित्रकला के बारे में जानकारी हो, उनके रहन सहन के बारे में जानकारी हो, उनकी क्या उनके रहन सहन है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो और क्या चुनौतियां हैं आदिवासियों के बीच में, क्या चुनौतियां हैं, संघर्ष क्या है, उनके बारे में जानकारी हो, ये इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आपने बताया देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, मूल रूप से देखा जाए किन किन राज्य के हो सकते हैं, कितने प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें देखिए जो बाहर से जो आएंगे उसमें महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, झारखंड के लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, मेघालय के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना के हैं, पड़ोसी हमारा राज्य मध्य प्रदेश के हैं और कर्नाटक के भी इसमें आ रहे हैं और इसमें करीब लगभग 200 के आसपास लोग इसमें आएंगे और जो बाहर से जो आ रहे हैं वो लोग 30 लोग करीब बाहर से आए हैं और राज्य के भी 74 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो काफ़ी अभी इतने लोगों की जानकारी मिली है और भी अभी आ सकते हैं उसमें। अच्छा, साहित्यकार आ रहे हैं, शोधार्थी भी आ रहे हैं, शोध पत्रक भी वे प्रस्तुत यहाँ पे करते नजर आएंगे इस विषय को? हाँ, तो जो भी इसमें शोध कर रहे हैं, जो भी इसमें शोध कर रहे हैं, जो शोध करता है, जो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके बारे में जो जानकारी, वो लोग उनको शोध के लिए वहाँ मंच मिलेगा अपने शोध को वहाँ पे पढ़ने के लिए और एक ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन भी होगा उसमें और सर जो निचोड़ आएगा उसको देखेंगे उसमें। छत्तीसगढ़ से भी शोधार्थी इसमें शामिल हो रहे होंगे, साहित्यकार शामिल हो रहे होंगे? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो भी इसमें शोध कर रहे हैं, कई हमारे शिक्षक भी इसमें हैं, कई हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी आदिवासियों के बारे में कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, उनका क्या सोचना है, उनको भी अगर शोध कर रहे हैं तो उनको भी वाचन करने का मौका उनको मिला। अच्छा, इस सम्मेलन से ये माना जा सकता है जिस प्रकार से आयोजन होगा, एक बृहद पैमाने पर आयोजन होगा, अलग अलग क्षेत्र से शोधार्थी आएंगे, साहित्यकर्ता आएंगे, तो इनका जो शोध पत्रक पेश होगा इसमें जो बातें सामने आएगी जनजातीय विकास को लेकर के, क्या नए आयाम विकास के इसमें खड़े हो सकते हैं? नहीं बिल्कुल, जो जानकारियाँ जो इसमें आएंगी, शोध कर रहे हैं उनकी क्या सोच है, तो निश्चित रूप से उनके बारे में क्या संघर्ष और क्या डेवलपमेंट हो सकता है उस बारे में विभाग उसमें चर्चा करेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का है
तो राजशास्त्र में भी इसमें विचार हो सकता है इसमें। बिल्कुल, तो ये थे मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिन्होंने जनजातीय साहित्य महोत्सव को लेकर के हमें तमाम जानकारियां दी। 19 अप्रैल से राजधानी रायपुर में 3 दिनों के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और मूल उद्देश्य यही है, जनजातीय क्षेत्र में जो उनके विकास की गाथा है वो कैसे लिखी जाए। और इस साहित्य महोत्सव का मूल उद्देश्य के साथ ही ये मोटो भी रहेगा कि जिस प्रकार से साहित्य आएंगे, जिस प्रकार से शोधार्थी अपने शोध यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, इसके माध्यम से आगामी समय में जनजातीय क्षेत्र के निवासियों के लिए विकास के नए आयाम सरकार गाथा के रूप में गढ़ सके, इसकी कोशिश इसके माध्यम से की जा सकेगी। इस समय सहयोगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़ रायपुर।